जब मैं बैठ रही हूँ ना, इवन पॉट पे भी ऐसे बैठना पड़ रहा है। बैठ गई हूँ, फिर उठना है। अब मेरे को उठना है पॉट से, क्या पकड़ू तो ना मैं ऐसे करके ना ऐसे करती हूँ, ऐसे देखो पैर ऐसे रह जाते हैं, ऐसे करती हूँ और फिर दो तीन कदम ऐसे ही चलती हूँ मैं फिर धीरे करके ना करती हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज गए हैं 12 और मैं तैयार हूँ, आप देख सकते हो, अपने जिम के लिए। पहले मैं एक्सरसाइज करूंगी, अब मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है, शाम की जगह दिन में वर्कआउट करूंगी और उसके बाद रेडी होंगी, तो दैट इज बेटर ऑल्सो। तो इसलिए मैं, मेरा 1 बजे का वर्कआउट रहेगा और उसके बाद मैं आके रेडी होके फिर अपने बाकी काम करती रहूंगी। तो ये अब शेड्यूल बना है, तो 1 बजे का टाइमिंग फिक्स हो गया है। सो आई एम एक्चुअली रेडी, मैंने पूजा वगैरह कर ली है, नहा ली हूँ, सब कर लिया है, आके चेंज वेंज करके फिर अपना थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप हल्का सा कर लूंगी। और ये रहे मेरे सारे बच्चे, और ये मिला कुजुआ वो खाना नहीं खा रहा है, और चारू मामा इतना सुंदर लग रहा है कि पूछो मत, रुई का गोला चारू मामा। चलो आओ खाना भी खाएंगे, फिर मम्मा तैयार होके, मम्मा को जाना भी है ना जिम। अरे पापा जी तो मिलाया ही नहीं, पापा तो रह ही गए, पापा के लिए मम्मी आ रही है, ये रहे पापा। पापा हमेशा रह ही जाते हैं, गुड मॉर्निंग, पापा हमेशा रह जाते हैं, पहले कुत्तों का इंट्रोडक्शन होता है फिर पापा का इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है बेबी, पापा वर्कआउट करके अभी तक नहाए नहीं है, बीबी नहा चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगाया हुआ है मुँह पे, बाल पे? ये तो मैंने लगाया ना कि मैं अभी एक्सरसाइज करूंगी ना, तो क्लिप चाहिए होता है ना। पजामा ले आई ये बेबी बाथरूम से उठा के, मेरे पजामे वजामे सब ले आती है, बाहर ले आती है, सारे नाड़े खा गई है, जितने भी अभद्र चीजें होती है ना बेबी ये बाथरूम से निकाल के लाती है मेरी। और अब जिस दिन ये बेड पे चढ़ना सीख गई, उस दिन हमारा तो समझ जाना कि आपको अपना सारा सामान रखना पड़ेगा छत के ऊपर। नो बेबी, ये नहीं कर सकते बेबी, आपको पता नहीं है बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा बिल्कुल करना ठीक नहीं है, और ये आपकी मम्मी जो है ना बहुत तंग कर रही है, खाना नहीं खा रही है, इसका खाना इसकी मम्मी को खाना होता है, इसकी मम्मी का खाना इसको चाहिए, ये वो हो नहीं सकता। आज वर्कआउट में क्या करने वाली हो? मुझे कुछ नहीं पता बेबी, बहुत दर्द है। कहाँ पे? यहाँ से ना ये हिस्सा चला गया है, जा चुका है। हाँ, उसने देख लिया था ना टीचर ने कि ये हिस्सा जो एरिया है ये उसकी पहुँच के बाहर है, उसको भी उसकी पहुंच के बाहर लगा, तो वो ना समझ नहीं पाया कि क्या क्या करा दूं इसको मैं। उसने इतना कुछ करा दिया कि जब मैं बैठ रही हूँ ना, इवन पॉट पे भी ऐसे बैठना पड़ रहा है। अरे फिर मैं बैठ जाती हूँ, बैठ तो बैठ गई, फिर उठना है। अब मेरे को उठना है बॉट से, क्या पकड़ू तो ना मैं ऐसे करके ना ऐसे करती हूँ, ऐसे देखो पैर ऐसे रह जाते हैं, पैर ऐसे रह जाते हैं, और फिर मैं अपने आप को ऐसे करती हूँ और फिर दो तीन कदम ऐसे ही चलती हूँ फिर वॉश बेसिन तक पहुँचती हूँ। आपको समझ में आ रहा है ये आपके साथ होता है? मैं फिर धीरे करके ना करती हूँ, लिटरली हो रहा है, मैं ओवर एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, बट क्या करें ना, चीजें खत्म करनी है ना। ये पुट्ठे जो है जिन्होंने अपना पूरा वो वर्चस्व दिखाया है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, सामने कारपेंटर काम कर रहे हैं, बुला के रंधा मरवा लो। रंधा वंदा नहीं, तुम देखो अभी देखो तुम क्या करती हूँ मैं, वर्कआउट शुरू कर दिया ना, देखो पता है लास्ट टाइम ना वो जो टाइट्स वाली थी ना लड़की, उसने कहा मैम आप ये वाली टाइट्स लो, XXL, डबल XL, मेरे ख्याल से डबल XL है, सिंगल XL है, सिंगल XL है, अभी पता लगा लूंगी, आई फील वेरी बैड अगर ये डबल XL है, जरी बिग पढ़ के बताना। इस पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है बेबी, आगे कहीं होगा? नहीं नहीं इधर या पीछे ये रही बेबी, ये तो L है, L वो मतलब XL नहीं है, XL से भी कम है, लार्ज है। हाँ तो भी कम हो जाएगा, XL में थोड़ा सा आपका ना वो गिर जाता है। चलो काम करने दो मेरे को, भागो वर्कआउट के लिए अभी दोस्तों मेरा टाइम है वर्कआउट के लिए, तो तब मैं चिट्टी को खाना खिला रही हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, चलो खाना खाएंगे आओ। वो देखो चिट्टू खाना खाएगा, आजा आओ चिट्टू का खाना, चिट्टी ऊपर बैठेगी तो चिट्टी की बेटी आ नहीं पाएगी, आजा आओ। तो फाइनली कैंडी थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है खाने की, वो सामने बैठी है धूप सेकने के लिए, मेरा चैलू मैं धूप सेक रहा है, वहाँ नीचे भी कोको भी धूपी धूपी सेक रहा है, और इसका ये है कि मैं कैसे चढ़ू ऊपर, चढ़ने के चक्कर में ना ये मेरा सब फाड़ देगी, इसलिए मैंने इसको दूर रखा हुआ है, पहले ये खाना खा ले वरना अपनी माँ का सारा खाना खा जाएगी। अब ये लोग यहाँ पे बैठे हैं धूप धूप सेक रहे हैं बेटा ना, अरे अभी ये चेरी की बारी आ गई है, ये लो जी। क्या हुआ चेरी को? चेरी को कोई प्यार नहीं करता भाई,
कोई नहीं कुत्ता है मम्मा कहती है दो, ये देखो ये देखो मम्मा कहती मारी कितनी। चैरी को मम्मा ने तैयार किया है। चल ऐसे बोल रहा चैरी, मम्मा पे गलत इल्जाम लगा रहा है। मम्मा थोड़ी कॉफी बना ले अपनी, आप धूपी धूपी सेको, मम्मा यहाँ बैठी है। आ रही मम्मा, अब बैठो आराम से। चलो तो जी यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेरी कॉफी बनाना है। पानी थोड़ा कम लगता है, पानी डाल देंगे। और ये बन गई हमारी तरोताजा कॉफी। तू नीचे कैसे उतरी है? ये मैं आ गई यहाँ पे मेली चैटू के पास, चैटू पैटू के पास। यहाँ बैठ के मम्मा कॉफी पिएगी आपके पास, ठीक है ना जी भैया? बेटू आ जा, सारे बच्चे आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आ जाओ इधर। एक दो तीन। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय फर्स्ट सिप ऑफ कॉफी विद यू गाइस। चीयर्स। बचा अभी तो पता नहीं सर बताएंगे वो तो कितना बचा है। अभी दो सेट्स बचे हैं तुम्हारे। अभी तो रहते हैं, एक और सेट रहता है, बहुत धुएं निकल जाते हैं। पता सर ना गैप ही नहीं देते बीच में, चार सेट कराते हैं उसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। सांस भी नहीं लेनी आपको, बंदा करेगा कैसे? अरे कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया आज, कैंडी के अलावा कोई नहीं मिलने आया। मेरा पति खाना खा रहा है, आदमी खाना खा रहा है, मुझे किसी ने नहीं पूछा। तो जी हम लोग निकल पड़े काम के लिए और मेरी बेबी ने पहन लिए बेल बॉटम। ये बेल बॉटम मैंने ना जूते छोड़े कंफर्ट के हिसाब से ना, मैंने जूते गलत पहन लिए। इसके अंदर थोड़े से ऐसे हील वाले होने चाहिए। अब थोड़ी इसका पैंट को फोल्ड मार देना तुम। मेरी बेबी ने मेरे पैंट की फोल्ड मार दी और गाड़ी निकालने में क्या हो रहा था। अरे वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी ना यार, ये एक तो पार्किंग के चक्कर में ना हम लोग गाड़ी कितना कम चला रहे हैं पता है। कंटाल आता है, कंटाल मंजे लेजीनेस मंजे क्या कहते हैं उसको, एक अच्छा आलस वर्ड भूल जाती हूँ मैं। तो अभी आगे चलते हुए आपको मिलते हैं हम। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर और ये जा रहा है अपने राइडिंग सेशन के लिए। तो हम दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। ये अलग ऑटो पकड़ेगा, मैं अलग ऑटो पकड़ूंगी और निकल रहे हैं अपने अपने रास्ते। मिलते हैं आपको रात को घर पे सीधा। बाय बेबी। अरे पहले मैं बैठ जाती हूँ ना। खाली भैया चलो कि लोखंड वाला, तुम दूसरा ऑटो कर लो, एक और आया है। बाय बेबी। सबको प्यार कर रही हूँ। कोको किधर है दीदी? कोको किधर है? क्या कोका मिया? कोका यहाँ घूमी घूमी कहा गया बाबा? चल हट आया मेरा कोको, मेरा बेटू, मेरे बेटू को सबसे पहले पारी मिलेगा। मेरे कोको बेटू को सबसे पहले पारी करेगी मम्मा। आजा। जी मैं अभी घर पहुंची हूँ। अभी आपको चेंज करके चेंज करके फिर मिलती हूँ। रुक जाएगी? अरे मास्क तो उतारने दे, चाट खा रही है। तो 8 बजे तक मैं उसका इंतजार करूंगी। तब तक मैं ये वाला जीवन जो है बच्चों के साथ व्यतीत करूंगी। बच्चे मान नहीं रहे हैं। ए बच्चे चाय पी लेती हूँ है ना। तो मैंने सोचा है कि अब अविनाश है नहीं तो कम से कम उस चीज का फायदा तो नहीं, लेकिन टाइम पास करने के लिए आज मैं, क्योंकि कल मैंने चेरी को नहलाया था ना, आज मैं कोको को नहला देती हूँ और फटाक से ड्रायर से सुखा दूंगी इसको। ठंड भी नहीं लगेगी और गरम गरम पानी से नहला रही हूँ और इसको एकदम चकाचक करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कोको को देख लो, उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं आफ्टर कोको गेट्स रेडी। कुका अच्छा दिख रहा है, अभी देखना थोड़ी देर के बाद। तो जी ये ला मेला कुकड़ू एकदम नहा के इतना सुंदर सुंदर बॉय बन गया। दिखाओ, मैंने पुंदू भी बनाया है छोटा अच्छा। ये देखो कोको का, ये सुंदर सुंदर लग रहा है कोको। इतनी खुश हो रही है, इतना खुश है कोको आज, इतना खुश है। देखो देखो मेला कुकड़ा, चीची बाबा चल आ जा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कोको को देख के, इतना खुश है अभी ये तैयार होके। खूब चिल्लाया मेरे ऊपर, लेकिन अभी एकदम मैंने ड्रायर वायर करके मस्त इसको रेडी करके, और अब देखो जरा अब मजे ले रहा है। चल पापा आएंगे तो फिर पापा को दिखाएंगे, ठीक है? बहुत बन रही थी ना तू, बहुत बन रही थी ना। चल चल।
चेरी खूब पीट रही है इसको। चेरी इसको ला, इसको अंदर ला, इसको छुप गई है चेरी, छुप गई, चेरी छुप गई, आजा आजा आजा, इसको अंदर आने दे, अंदर आने दे, अंदर आने दे, भागी 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 भागी, पूरे फॉर्म में देखो उसकी वाट लग गई। चेरी अब उसको कह रही है खेल खेलो, तुम लोग पागल ना हो तो मुझे भी बीच में डाल देते हो। ऐसे ही चलाया हुआ है तेज। अरे मेरा बेटू आया। बेटू को छोड़ो, पहले कोको को उठा के लाओ इधर और देखो जरा क्या किया मैंने। कोको को गोदी में लेके आओ। अरे बेटू तब तक खून पी लेगा। नहीं बेटू को पीने दो। अरे रे रे रे, ये तो लग रहा है भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ये तो लग रहा है भंवरा घूम रहा है घर में ना, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के आया। मिले बच्चू, इसके थोड़े से बाल बाल भी काटे मैंने आगे से, एकदम नहा के मैंने गुलगट्टा बना दिया इसको। खुश होके बैठा भी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया ग्रूमिंग होगी है ना। तुम्हारी जैसी ग्रूमिंग तो कोई कर नहीं सकता ना, जब तुम करती हो तो फिर अलग ही लेवल की होती है। मैंने कितना अच्छी तरह से बच्चे को तैयार किया। खुश है? बहुत खुश है। अम्मी बेटू, अब बेटू को पारी कर लूं। बेटू को चेरी ने खूब दौड़ा दौड़ा के मारा। क्या बात कर रही हो? बहुत दौड़ाया। मौसी ने मारा बेटू? हाँ। अच्छा किया, कोई बात। थोड़ा बहुत ही कैप्चर किया लेकिन बहुत। चेरू मौसी, वेरी गुड वेरी गुड। चेरू मौसी वेरी गुड। ये लो बोलू बोलू लेके आएंगे इसी खुशी में। गो बेबी, हर चीज चाहिए पता है। अच्छा ये यहाँ पे भी चढ़ने लग गई है। कहाँ पे? यहाँ पे है। हाँ। पीछे ना गिर जाए कहीं। अब आप देख लो। देखो देखो, काटना शुरू जेब और नाड़ा काटना शुरू। क्या करोगे बेबी? मुझे आ रही है जबरदस्त नींद। तो सो जाओ ना, तुमने वर्कआउट भी तो बहुत किया। बहुत किया बेबी, मेरी बॉडी ना एकदम ऐसे जवाब दे गई है ये ना। लेकिन बॉडी तुम्हारी कल से जवाब दी हुई है ना। हाँ लेकिन अब तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब ज्यादा जवाब दे रही है, लग रहा है जैसे बुखार आ रहा है दर्द के मारे। सो जाओ चलो। गाइस आपको मिलती हूँ मैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। अरे जब से इंट्रो डाला तब से ये तो पूछा ही नहीं ब्लॉग में कि इंट्रो कैसा लगा। तो कैसा लगा गाइस? पीठ दिखा के ब्लॉगिंग नहीं, इंट्रो कैसा लगा गाइस? हाँ कमर दिखा के ब्लॉगिंग नहीं, मुंह दिखा के।